कि 1987 बैच से बीएसएफ ऑफिसर हु वर्कड इन पंजाब एंड जेएनके मिलिटेंसी इन साउथ कश्मीर अनंतनाग एंड पुलवामा एंड ऑल्सो इन श्रीनगर सिटी फॉर 8 ईयर्स. ही इज दैट ब्रेव ऑफिसर हु किल्ड पाकिस्तानी टेररिस्ट गाजी बाबा द चीफ ऑपरेशन कमांडर ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड टू अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट इन श्रीनगर इन 2003. This is important to mention that Ghazi Baba was main accused of Indian Parliament attack in 2001. This is the same terrorist organization which attacked CRPF bus in Pulwama in February 2019. He is a recipient of Kirti Chakra, second highest defense Veerta Padak for his success. BSF got 16 gallantry medals in this single operation, including Kirti Chakra and Shaurya Chakra, which is the highest figure after 1971 war. He was hit 8 bullets of AK-47 on his body in this encounter and he suffered critical bullet injury and disability. I think one bullet is still inside him as per the bio data. He is a founding member of Federal Investigation Agency NIA, where he served for more than 8 years. The NIA was created by the government after a tragic Mumbai 26/11 attack. He is a recipient of Z Ananya Award 2010, Indian News Award 2015, Police Medal for Meritorious Service 2011, President's Police Medal for Distinguished Services 2016 for his outstanding work and bravery. He has represented country's task force on various terrorism and security related subjects held in Colombo, Kathmandu, Belarus, Canada, Tajikistan, and presently is posted in Delhi and heading Faculty of Studies at BSF headquarters. I request Sri Dubeji to kindly address us, and as he takes a mic, पंडित जयशंकर प्रसाद की कविता की एक चार लाइनें उनके लिए सुनाना चाहूंगा. हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती बढ़े चलो अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी सुपुत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो जी. साहब पहले तो आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली जो संस्था है भारत विकास परिषद उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा चीज सोचा, एक मंच दिया. इन तमाम मिसाल हैं खुद में अपने आप लोगों को. मैंने रोशन की बात सुनी, सलवा की बात सुनी और जैन से जो चर्चा चली और बाकी लोगों ने जो अपने अपनी जर्नी को बताया, उस सुनने के बाद लगा कि मेरी यात्रा तो इससे बहुत पीछे थी. एंड बेसिकली दे आर द पीपल हु डिजर्व ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑल द क्लैप द लाइफ. 2003 अगस्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंटायर कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल श्रीनगर में थी. प्रॉली हम ये बताना चाहते थे कि बड़ा अमन है, बड़ा ही शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसी में एक वाक्य होता है और इंडियन पार्लियामेंट अटैक में एक्यूज्ड जिसको कि जस्टिस एस एन धींगड़ा के स्पेशल पोटा केस में एक ही एफ आई आर दर्ज हुआ था पार्लियामेंट अटैक उसके बाद. दैट इज द फर्स्ट एंड लास्ट एफ आई आर ऑफ पोटा. एंड जैश मोहम्मद हेड ऑन इंडियन सॉयल जो 9 साल से चला रहा था वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ था. कुछ हमारा काम धाम ऐसा था कि समहाउ एंड एक अपॉर्चुनिटी लगी कि रात के 3:30 बजे और वो ऐसा दिन था कि पीएम वाज हिमसेल्फ इन द श्रीनगर. उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करी और हमने एक लाइव टेररिस्ट को पकड़ा और उसके बाद जो सिलसिला चला वो फिर इस ऑपरेशन में कन्वर्ट हुआ. और करीब थर्ड फ्लोर पे पूरी टीम को लेके घुसना था. मेरे साथ 9 लोगों की टीम थी और एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर 2 टेररिस्ट थे. बाहर से मिरर लगा हुआ था. इट वाज फिटेड विद द नाइट विजन डिवाइस एंड क्लोज सर्किट टीवी. सीसीटीवी का तब मुझे फुल फॉर्म नहीं पता था 2003 में. उस समय उनका जो सीक्रेट चैम्बर था दैट वॉज इक्विप्ड विद दिस टेक्नोलॉजी. तो अब पोजिशन ये थी कि ना हम पीछे आ सकते थे ना आगे जा सकते थे. ग्लास तोड़ा इन डायरेक्ट शूट आउट. आई सफर्ड वन ऑफ द माई गार्ड पर्सन बलबीर सिंह वॉज फ्रॉम राजस्थान वॉज अ वार्डन लेटर ऑन शौर्य चक्रा. मुझे कितनी गोली लगी कैसे लगी ये तो बाद में पता लगा. उस समय नहीं पता लगा
लाइक जैसे रोशन ने बोला कि शुरू में इन्होंने इन्हें लगा कि कोई ख्वाब देख रहे हैं और बाद में इन्हें पता लगा। तो एनीवे वो दो टेररिस्ट थे, दोनों को हमने मार तो दिया लेकिन उसके बदले जो इंजरीज हुई बड़ी फैटल रही और राइट हैंड शैटर्ड हुआ तो AK-47 छूट गया हाथ से, AK-47 भी बस्ट हो गई। तब पता नहीं लगा बस्ट हो गई लेकिन हाथ से छूट गया और सेंसेशन राइट हैंड का चला गया, बाकी बॉडी के चोट का कुछ पता नहीं लगा। एक अच्छी बात थी कि मैं सेंसेस में था लास्ट तक, आई कुड स्पीक आई कुड टॉक। अब यहां मैं थोड़ी सी चीज मोटिवेशन से जोड़ूंगा कि आई वॉज लीडिंग द बटालियन दैट टाइम और मेरे साथ जो टीम थी और उसमें दो लोग हमारे फंस गए थे अंदर जो निकल नहीं पाए, लास्ट एंड रहा कि उनको फिर जिंदा हम लोगों ने निकाल लिया। तो मैं खुद को लेफ्ट हैंड से AK-47 उठाया, मैंने कहा कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो इसी से मुझको मार देगा और एक को मैं मार पाया, दूसरा कैसे मरा वो मैं समझ नहीं पाया उस समय, कितने थे ये भी नहीं पता लगा। ये तो सवेरे की बात है क्योंकि लाइट वाइट तो सब बल्ब ट्यूब लाइट सब ब्लास्ट हो गया था। तो अपने को संभालते हुए नीचे लाए, कुछ पता नहीं लग रहा था क्या हुआ, प्यास लग रही थी बस, इससे ज्यादा तो कुछ फील नहीं हो रहा था। नीचे आने के बाद एक आवाज आई, एक कश्मीरी लड़का ही था हमारे गार्ड का, सहारा दिया, मैं गाड़ी में बैठा। मैंने कहा तो मैं ये बता रहा हूं जब जिम्मेदारी होती, क्योंकि आपके ऑफिस बियरर अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे थे, तो उस समय क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सबसे ऊपर होती है। तो मेरे मुंह से निकला कि मैंने कहा मकान छोड़ना नहीं, घेर के रखना, इसमें टेररिस्ट हैं, कितने मरे कितने नहीं मरे मैं बता नहीं सकता, और मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ और अंदर दो लोग फंस चुके हैं। तो नीचे जिप्सी आई, मैं अपने आप को उसमें डाला, एक ड्राइवर और एक जिप्सी। मैंने कहा तुरंत मेडिकल कॉलेज भागो। आगे बढ़े तो कुछ था नहीं, मैंने कहा एक वेपन तो होना चाहिए गाड़ी में, कहीं 3 किलोमीटर के अंदर इनकाउंटर हो जाएगा क्या करेंगे। ड्राइवर की राइफल थी। हॉस्पिटल पहुंचे, जब बॉडी एग्जामिन किया गया तो पता लगा कि ग्लूटल रीजन में एक गोली है और अंदर ही है, परफोरेशन हो रहा था इंटेस्टाइन में, मुझे समझ आ नहीं रहा था। बाकी कपड़े वपड़े काट के निकाले, तो डॉक्टर ने बोला वी हैव टू ऑपरेट यू इमीडिएटली, एक्सपिरेटरी लेपेटोमी करना था उनको। लेकिन मैंने बोला नहीं, उसको मिलिट्री हॉस्पिटल भेजिए, क्योंकि 10 दिन पहले सिम मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट से अलूमर के 16 टेररिस्ट पकड़े थे हमने, तो थोड़ा मेरा माइंड परेशान था कि मैं एडमिट नहीं होऊंगा। एनीवे बाद में सर्जरी जरूरी हुई अगले दिन, तब तक मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मुझसे, क्या किया मैंने। टिल नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सोचा कि हाथ तो इनपुट निकाल दिया होगा, काट दिया होगा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से शैटर्ड था। तो जब मैं एनेस्थीसिया से वापस आया होश में, तब मेरा पहला ध्यान दाहिने तरफ गया कि मेरा राइट हैंड कर क्या रहा है। तो फिक्सेटर पे था लेकिन फिंगर मूव की, मैंने कहा अच्छा खीर कटा नहीं है कम से कम। और उसके बाद पेट वेट फुली ऑपरेटेड था, जो भी करना था। GOC 15 कोर जनरल निर्भय शर्मा, एंटायर बैटरी ऑफ ऑफिसर्स, दे केम दे कांग्रेचुलेटेड। उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, जीवन तुम्हारा बच जाएगा, बाकी बाद में बात करेंगे। एंड डू यू नो व्हाट यू हैव डन, मैंने कहा आई डोंट नो सर। तो मेरा पहला सवाल था कि जो अंदर हमारे दो ऑफिसर फंसे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि उसमें एक की वाइफ शी वॉज अनफेमिली वे, वो मेरे बगल वाले घर में रहती थी। मैं सोचा कि ये तो अंदर मारा गया होगा, वो लेडी वाइफ है जिसका पहला बच्चा है, उसको क्या हम जवाब देंगे। मैंने कोई सक्सेस नहीं पूछा, पहले ये पूछा उसमें जिंदा कितने हैं, क्योंकि उसकी सारा चिंता होती है। एनीवे बाद में पता लगा कि ही वॉज दिस एंड ही वॉज दैट, और बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जो भी सफलता रही। क्या होता है लाइफ में जब आप इस मुकाम से सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं ना, तो आपके डिसेबिलिटी का दर्द कम हो जाता है, लेकिन इसी मुकाम को अगर आपने एक फेलियर की तरफ ले लिया तो यही पेन कंपाउंडेड हो जाता है। पेन वही होता है, इसका परसेप्शनल बड़ा फर्क पड़ता है, और आप सब लोग उस परिस्थितियों से गुजरे हैं। ऑलरेडी समय बहुत हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहा इस प्रोग्राम में, खास करके जिन्होंने पर्सनल एग्जाम्पल से चीज़ों को पेश किया, वो बड़े गहराई तक गया, और शायद मैं भी एक बहुत बड़ा मैसेज लेके जाऊंगा यहाँ से। आई एम ए बिग अचीवर बाई पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। डॉक्टर अनिल मोरारका का जो मैंने तारीफ सुनी, इसी तरह से हमारे जो है सांवला साहब, इनकी बात सुन करके तो मुझे लगा कि हम शायद वो छोटे से टुकड़े के बराबर हैं, जिस तरह का ये लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं। और मैं इस फोरम को देख के बहुत, मैं कितनी चीज खुद लेके जा रहा हूँ, और शायद साहब आपका पोस्ट सर्विस में आपके काम में भी कुछ आ सकूंगा, तो आई विल कॉन्टेक्ट एंड आई विल कॉन्ट्रीब्यूट। मेरी यही इच्छा है कि पोस्ट रिटायरमेंट, अभी 4-5 साल सर्विस है, मैं कुछ इसमें कर पाऊंगा तो मैं फुल विदाउट एनी इंसेंटिव आई शैल एसोसिएट माई सेल्फ इन दिस प्रोग्राम।
और मैं अपने पूरे ऑर्गेनाइजर को, शालिनी मैडम को हु फर्स्ट कॉन्टेक्टेड मी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, अशोक जी को। और इस फोरम में नंबर्स की चर्चा हुई, जैन ने एज की चर्चा करी, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि सफलता के पीछे शायद बेटर हाफ, हाफ ऑफ द प्रेजेंस इज ऑफ लेडी वाइव्स, विच इज वेरी ग्रेट इन एनी सक्सेस। तो जो महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा जबरदस्त मुझे दिखा, और आपकी तादाद शायद काउंट किया जाए तो इट्स हायर देन द मेल जेंट्री, विच इज वेरी ग्रेट। प्रॉब्ली आप सक्सेस के पीछे आप हैं, और ये काफी लोगों ने इस पर चर्चा भी की है, तो ये आप कंटिन्यू रखें, और आपकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूँ। आने वाले टर्म के लिए ऑफिस बियरर को बहुत बहुत मैं शुभकामना दे रहा हूँ। ऑलरेडी आपने माइलस्टोन स्थापित कर दिया है, साथ साथ अध्यक्ष हैं, आने वाली टीम के लिए एक चैलेंज भी होगा कि इसको आगे ले जाना और इस कामयाबी को बना के रखना। थैंक यू वेरी मच, कॉम्प्लीमेंट्स। आई थिंक वी शुड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू हिम, क्लैपिंग। धन्यवाद। मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ प्रेजेंस ऑफ नम्रता गोयनका, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ गोरेगांव वेस्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। मधु जी महेश्वरी ने एक अनाउंसमेंट किया, उन्होंने भारत विकास परिषद की गतिविधियों के लिए 1,00,000 रुपए की राशि देने का प्रपोजल दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया 2 मिनट बैठेंगे, और किरण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स दें, और फिर हम डिनर के लिए प्रस्थान करेंगे और नेशनल एंथम करेंगे।